तो अभी हम जाए ना, ये है कंस किला। कंस किला यानी कृष्ण भगवान के मामा का किला, जिनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी। अब आपको याद हो महाभारत टाइम की बात है वो, तो अब कितना चल रहा है महाभारत है, जो मान रहे हैं विकिपीडिया वगैरह पे जो लिखा 5500 BC, 5500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, तो अभी चल रहा है 2022, लगभग 7500 साल पहले की बात है जब ये किला हुआ करता था। मामा थे, कृष्ण भगवान थे, और अभी देखो आप यहाँ पे, आपको देख के समझ आ जाएगा कि कहाँ पे श्री काल भैरव, प्राचीन मंदिर श्री काल भैरवनाथ, कंस किला, कुशक गली, मथुरा। और अभी हम अंदर जा रहे हैं, ये देखते हैं 7500 साल बाद किले का क्या बचा हुआ है, क्या है उसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे अभी किसने ले लिया, ये हो चुका अभी RSS का ये कार्यालय बन चुका है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आप देख रहे होंगे केशव संस्थान प्राइवेट ट्रस्ट मथुरा। तो अभी जो है ये जो किला है ना, ये RSS के अंडर में आ चुका है, मतलब RSS का ऑफिस वगैरह कार्यालय कुछ बन चुका है। तो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। काफी पुरानी, तो भी देखो यहाँ पे ईंट जो है ना काफी पुरानी, आपको ये ईंट जो है ये बहुत पुरानी दिख रही होगी। तो ये किला बहुत पुराना हो गया, जैसे कि मैंने बताया 7500 साल पुराना है, पर 7500 साल पहले ही सारी चीजें नहीं है, क्योंकि जब ये किला था ना, किला कई बार ये टूटा और दोबारा बनाया गया। बनाया गया सवाई जयसिंह, जो जयपुर में राजस्थान के जो राजा थे, उसने कई बार इस किले को दोबारा बनवाया है, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें लगातार होते रहे। और इधर देखो यहाँ पे कुछ कुएं जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये कुआं होगा, काफी पुराना है, तो देख रहे हो कितना गहरा है। और यहाँ खड़े हुए मुझे डर भी लग रहा है, तो मैं अंदर आ जाता हूँ वापस, और देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे। ये किला जो है, एक किले की और खास बात ये है, किला जो था ना जब ये बना था, किला प्रोटेक्शन भी करता था बाढ़ से, जब फ्लड वगैरह आता ना, तो ये पानी जो आपको कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो नदी दिखाई दे रही है ना, यमुना नदी, यमुना का पानी बहुत ज्यादा हो जाए कि बाढ़ ना आ जाए, तो किला पूरी सुरक्षा करता था कि पानी इधर ना आए, तो ये उसका भी काम करता था, फ्लड से भी बचाता था। तो अभी आपने देखा कुआं जो है वो कितना गहरा था, धूप बहुत तेज हो रही है इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया, थोड़े टशन भी जरूरी है। तो अभी मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे देखो ये किले की पूरी बाउंड्री रखी है, वो कुआं था जो मैं दिखा रहा था ना आपको, उधर है वो कुआं, और इधर पूरी यहाँ पे नदी होगी, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, ये रही बोटिंग, ये देखो इधर की तरफ, वहाँ बहुत सारी नाव आपको दिखाई दे रही है, और जो बोटिंग है, बोटिंग का ये चार्ज करते हैं 100 रुपये बताते हैं, पर आप बात करोगे तो 50-60 में कम चल जाएगा, मतलब नेगोशिएबल है। तो यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बोटिंग बहुत बढ़िया है, पर ये जो नदी है ना यहाँ पे नीचे, ये काली हो चुकी है, जो पानी है इसका एकदम काला है, जब नीचे जाएंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। और जो किला है, किला भी आपने देख लिया कि कैसे कैसे, एक बार इसका पूरा आपको दिखा देता हूँ, नीचे से भी दिखाऊंगा। ये झंडा RSS का झंडा लगा ऊपर, ये पत्थर कुछ, अब इन पत्थरों को देख के आपको लग रहा होगा कि ये कब के हैं, ये 7500 साल पुराने हैं, या फिर किसी सवाई जयसिंह वगैरह राजा, जो मैं बता रहा था जब ये रीबिल्ड करा गया था उस टाइम के भी हो सकते हैं। तो इन पत्थरों का अभी देख के कोई मैं अनुमान नहीं लगा सकता, कुछ ऐसे पता नहीं है, क्योंकि कोई मार्किंग नहीं है, कोई डेट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं कि गाइड वगैरह हो या कोई हो, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं है, ऐसे कोई बोर्ड वगैरह लगा हो जहाँ पे, कुछ नहीं है। तो अभी ऐसे ही देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सामने, वहाँ पहले पीछे भी हमने बताया था। तो ये जो जगह है ना, जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये मथुरा तो है ही, आपको भी पता उत्तर प्रदेश में मथुरा है, और ये जब ये कहाँ पड़ता है, आगरा से पहले पड़ता है, दिल्ली से लगभग 300 या 250 किलोमीटर होगा, ये इतनी दूर पड़ता है, तो काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो काफ़ी दूर आए हैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि 7500 साल पुरानी चीज़ कोई कैसी लगती है। तो अभी वही देख रहे हैं, और इधर यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा कि कुशक गली मथुरा लिखा हुआ, मतलब ये जो एरिया है कुशक गली है, और यहाँ सामने प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी पाठशाला। यार छत दबी हुई है, मतलब ये जो छत है ना पूरी की पूरी ऐसे बैठ गई नीचे की तरफ, यहाँ देख रहे हो पूरा छत ऐसे दबा हुआ है नीचे। किसी का घर ही है यार ये, किसी के घर में यहाँ पे छेद हो रहा है क्योंकि अंदर पानी का टैंक रखा हुआ है। नीचे देख के कांटे हैं यहाँ,
फिर आते हैं यार कुछ ऐसे कलाकार लोग, ऐसे कलाकार आपने हर जगह देखे होंगे जो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ये जो चित्रकारी करते हैं, कोई किसे प्यार करता है उसका नाम लिख देगा। देखो यहाँ पे भी कई सारे नाम लिखे होंगे, वहाँ लिखो सुमे लिखा है, संकेत लिखा है, विशाल लिखा है, पता नहीं कितने सारे नाम है। तो ये बहुत गलत चीज़ है यार। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो और कहीं जाते हो ऐसे, तो मैं बोलूँगा ये बिल्कुल मत करो यार, पूरी चीज़ को ख़राब कर देता है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक दीवार है, कभी किले में आप गए होंगे, कहीं ना कहीं तो किलों में गए होंगे। जितने किलों में मैं गया हूँ ना आज तक, एक भी किला ऐसा नहीं है जहाँ पे ये चित्रलेखा नहीं बनी हुई है, ऐसे डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाए हो। तो प्लीज़ ये सब बिल्कुल ना करें। और देखते हैं किले में और क्या है। अब मथुरा में आए और गाय ना मिले, तो गौ माता यहाँ बहुत जगह है, अब तो बहुत ही जगह मिल रही है, तो इधर भी गाय है, इधर भी गाय है, इसलिए कृष्ण भगवान को गोपाल भी बोलते थे। और गाय तो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, गाय बहुत थी, अभी तो फिलहाल आजकल काफ़ी कम है। तो गाय आपको भी जहाँ भी मिले ना, तो गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं यार, गौ माता की रेस्पेक्ट करें। और अभी अंदर देखते हैं क्या है। इतने छोटे गेट मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ है। मतलब देखो अगर आप देखेंगे ना तो पूरा देखो कैसे बना हुआ है, बड़ा सारा बना हुआ है पर इधर पूरी पैड़ी बन गई, तो एरिया जो है ना बहुत कम हो गया। पहले क्या था, ये दब गया या उठ गया, कुछ ऐसा हुआ कि चेंज हुआ बहुत ज़्यादा, पर पहले एकदम अलग हो गए क्योंकि गेट ऐसा होगा बना हुआ कि पूरा अंदर जा सके, तो फ्लैट होगा ये, ऐसे डाउन वाउन चीज़ नहीं होगी। इधर से चलते यहाँ पर रहने लगे। संदूक पड़ा अंदर, संदूक वगैरह ये सारी चीजें अंदर। तो अब आपने देख लिया होगा कि 7,500 साल बाद कि कंस का किला 7,500 साल बाद कैसा लगता है, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बड़ा किला हुआ करता था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जेल में, आप सब लोग जानते हैं कि कंस की जेल में थे तब उनका जन्म हुआ था। तो जो कंस है उसका किला बच जाएगा, इतने साल बाद हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो कंस और कृष्ण भगवान के बीच में लड़ाई हुई थी तो कंस का पूरा विनाश हो गया था, कंस मामा का पूरा खत्म हो चुका था। तो अब जो किले में बचा हुआ है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कहीं ईंट बच रही है, कोई एंड में बच रही है, देखो उधर आपने देखा होगा कुछ छोटी छोटी ईंट आपको दिखाई दे रही होगी। तो जो किला है ना, किला पूरा का पूरा तहस नहस हो चुका है, बहुत माइनर सी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे बची हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि 7,500 साल पुराना कंस का किला कैसा लगता है। अगर आपको कोई हटके चीज़ देखने के लिए मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।